आप देख रहे हैं सच दर्शन। 23 मार्च को हर साल देश शहीदी दिवस मनाता है, जिसमें सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को याद किया जाता है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ऐसे में इन देश के शहीदों को जहां शहीदी दिवस के मौके पर पूरे देश ने याद किया, वहीं दिल्ली के जनकपुरी इलाके में भी RWA के लोगों ने देश के शहीद सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और कैंडल जलाकर उन्हें याद किया। जहां शहीदी दिवस के मौके पर हैरानी की बात तो ये रही कि जहां हजारों की संख्या में लोगों को इन शहीदों के लिए मेला लगाना चाहिए था, वहां देखकर लगा कि अब शहीदी दिवस के प्रोग्राम में लोग आते हुए भी कतराने लगे हैं, क्योंकि रोड किनारे रखे गए इस प्रोग्राम में RWA के चंद लोग ही देखने को मिले। हालांकि इस रोड पर इस प्रोग्राम के दौरान लाखों लोग गुजरे, लेकिन उनमें से बहुत ही कम थे जो इन शहीदों की श्रद्धांजलि को देखकर रुके हों और अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की हो, जबकि इन शहीदों के दर्शन मात्र से ही लोगों को ठहर जाना चाहिए था। शायद आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में अब किसी के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि देश या देश से जुड़ी बातें या उसकी आज़ादी को लेकर कोई चिंतन या मनन करे या उसके लिए शहीद और बलिदान देने वाले लोगों को याद ही करे। ऐसे में कहीं ना कहीं इन RWA के लोगों को यह भी बात अखरी। बड़ा अच्छा है जी, और ये हर साल मनाना चाहिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज हम कई बार कहते हैं, जब हम पढ़ते थे तो मुझे पता उसमें रहते थे, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। मैं ये नहीं कहता कि महात्मा गांधी का भी रोल था, परंतु इन शहीदों को लोग भूल गए। आप किसी बच्चे से आज नई जनरेशन पूछिए शहीदों के नाम बता दें, वो नाम नहीं बता पाएंगे। और वास्तव में आज की इतिहास की पुस्तकों में जहां महात्मा गांधी का नाम आता है, शहीदों के नाम भी आने चाहिए। अब इन लोगों ये कार्यक्रम, मैंने उनसे कहा अशोक जी से भी, कि आप हर वर्ष मनाइए, वो 23 मार्च का कार्यक्रम होता है, हर वर्ष मनाओ, ताकि और नई जनरेशन को विद्यालयों के अंदर भी जाना चाहिए और स्कूलों बच्चों को पता लगना चाहिए कि देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल इन तीन का, ये तीन केवल नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद आपका सुभाष चंद्र बोस कितना किया, अतुल मुखी उपाध्यक्ष भाजपा पश्चिमी जिला। शहीदी दिवस आज एक डिनोशन है कि आज हर युवा के अंदर जागरूकता आए, समाज के अंदर सोए हुए समाज को जगाने के लिए, कि जो हमारे युवा क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव ने उस समय पर देश के युवाओं को जगाने के लिए सांसद में बम फोड़ा था, आज हमारे यहाँ पर भी, आज भी समाज में ऐसे युवाओं को जगाने की जरूरत है। आज युवा अगर जागरूक होगा तो देश जो आज चैलेंजेस फेस कर रहा है उससे बाहर निकलने का रास्ता निकल पाएगा। यही मैं आज युवाओं को मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोगों को शहीद आजम भगत सिंह के जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। वीना सबरवाल, निगम पार्षद, 18S मिलापनगर से, कि जो हमारे लिए शहीद हुए हैं उनके आज श्रद्धांजलि हम अर्पित करने आए हैं, और हम चाहते हैं कि जो शहीद हुए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, भगत सिंह जी, लाजपत राय, जिन्होंने बहुत शहीद दिए हैं, ये तो हम आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है हम उनको भी बताएं कि जिन्होंने यहाँ पे हमारे शहीद हुए हैं, और किसके लिए हुए, हमारे लिए हुए हैं, जो आज हम इतने ऐशो आराम से रहते हैं, इतना कुछ हो रहा है हमारे लिए, लेकिन हमें उनका शुक्रगुजार करना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको खुशहाल उनका जीवन हो, और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो उन्हीं के चिन्हों पर चलें और ऐसे काम करें जो कि उनका इस लाइफ में अपने इस जीवन का एक नाम रोशन। एलडी रामचंद्रानी, महासचिव RWA। आज के प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगा, ये जो 23 मार्च शहीदी दिवस है हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है कि इसको बहुत बुलंदियों से और बहुत जोर शोर से मनाया जाए, क्योंकि देश के अंदर असामाजिक ताकतें और देश विरोधी ताकतें बढ़ती जा रही है। जैसा कि ताजा ही कुछ दिनों पहले का उदाहरण है JNU में देशद्रोही नारे लगना, तो आज के टाइम पर सैकड़ों भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु जैसे योद्धाओं की और युवाओं की जरूरत है, इसलिए शहीदी दिवस को मनाना बहुत आवश्यक है। मेरा नाम हरीश चंद्र सिंह है। 23 मार्च 1931 को एक 23 साल के युवक ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। 23 साल के उस युवक भगत सिंह को ये पता था कि उनका बलिदान इस देश के लोगों को प्रेरणा देगा, इस देश के आजादी के आंदोलन को बढ़ाएगा।
उस छोटी सी एज में उनके पास वो सोच थी, लेकिन शायद हम उससे भटकते जा रहे हैं। आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये हमारे रियल हीरो हैं। हम शायद किसी और दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग फिर से भगत सिंह को याद करें, उनके बलिदान को याद करें, उनके उस ऊंचे कैरेक्टर को याद करें जो उन्होंने जिया और जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दी। ये कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज एक दिन, हाँ, अगर हम किसी एक शक्ति को भी प्रेरित कर पाते हैं भगत सिंह को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो शायद ये कार्यक्रम सफल है। दिल्ली के जनप्रिय इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।